नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में मोटोरोला एज 20 प्रो वर्सेस वीवो एक्स 70 प्रो का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो एज 20 प्रो में 6.42 इंच जबकि एक्स 70 प्रो में 6.23 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि एज 20 प्रो से कम है। विड्थ की बात करें तो एज 20 प्रो में 2.99 इंच जबकि एक्स 70 प्रो में 2.88 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि एज 20 प्रो से कम है। बात करें थिकनेस की तो दोनों फोन में सेम ही 0.31 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो एज 20 प्रो में 190 ग्राम जबकि एक्स 70 प्रो में 183 ग्राम का वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो एज 20 प्रो में ओलर जबकि एक्स 70 प्रो में AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही एज 20 प्रो में 20:9 जबकि एक्स 70 प्रो में 19:8:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो एज 20 प्रो में 6.7 इंचेस जबकि एक्स 70 प्रो में 6.56 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन एज 20 प्रो में 1080x2400 और एक्स 70 प्रो में 1080x2376 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो एज 20 प्रो में 87.49% जबकि एक्स 70 प्रो में 89.66% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो एज 20 प्रो में 393 पिक्सल प्रति इंच जबकि एक्स 70 प्रो में 398 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो एज 20 प्रो में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में पेरिस्कोप कैमरा देखने को मिलता है। और एक्स 70 प्रो की बात करें तो इसमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि वाइड एंगल प्राइमरी, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, टेलीफोटो कैमरा और आखिर में पेरिस्कोप कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो एज 20 प्रो में 10 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और एक्स 70 प्रो की बात करें तो उसमें 11 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो एज 20 प्रो में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं और एक्स 70 प्रो में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 8 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इन्फॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो एज 20 प्रो में एड्रीनो 650 जबकि एक्स 70 प्रो में माली G77MC9 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो एज 20 प्रो में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 870 और एक्स 70 प्रो में मीडियाटेक डायमेंशिटी 1200MT 6893 मिलता है। बात करें रैम की तो एज 20 प्रो में 8GB की रैम मिलती है जबकि एक्स 70 प्रो में 3 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 8GB 12GB 12GB रैम मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो एज 20 प्रो में 128GB की स्टोरेज मिलती है जबकि एक्स 70 प्रो में 3 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB 128GB 256GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में एंड्रॉइड V11 देखने को मिलती है। बैटरी एज 20 प्रो में 4500mAh जबकि एक्स 70 प्रो में 4450mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 2 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो एज 20 प्रो में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है,
जो कि 8 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 36,999 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें X70 Pro की तो उसमें 3 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 8 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 46,990 रुपीस, 12 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 49,990 रुपीस, 12 GB रैम 256 GB स्टोरेज के साथ 52,990 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की, तो दोनों फोन में 7 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है। मेन कैमरा में H20 Pro आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में H20 Pro आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें एप्पल आईफोन 12 है जो कि 70,900 रुपए में मिलता है। दूसरा रियलमी X7 Pro है जो कि 26,999 रुपए में मिलता है। तीसरा सैमसंग गैलेक्सी S21 Plus है जो कि 72,999 रुपए में मिलता है। और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें वीवो X60 Pro है जो कि 49,990 रुपीज में मिलता है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।